अबला सकल दुखित देख गिरि नारी कर विलाप रोदति वदति सुता स्नेहु संहारि। नारद करु मैं काहु बिगारा भवन मोरे जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दीना बौरे बरहि लागि तपु कीना। साचे हूँ उनके मोह न माया उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर खालक लाज न बीरा बाज की जान प्रसव के पीरा। जननी विकल विलोकी भवानी बोली जुत विवेक मृदु बानी। अस विचारि सोचहि मति माता सो न टरै जो रचै विधाता। करम लिखा जो बाउर ना हो तो कद दोष लगाई काहू। तुम सन मिटै कि विधि के अंका मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा परिहर अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जा पाऊब तही। सुने उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति बधि लगाई दूसन नयन बारि विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने तुरत निकेत। तब नारद सबही समुझावा पुरूब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीलाभ पुधारिणी। जन्मी प्रथम दाक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा देख्यो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना ब्रह्मवश वेशु सीर कर लीना। सिय वेशु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर विरह जाय बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागि दारुण तप किया। अस जानि संशयत जहु गिरि जा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटावशात। क्षण बहु व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संवाद।